You are listening to Indian Murder Mystery, only on Red FM Podcasts. Stream smarter. माँ बाप से जब उनका छोटा सा बच्चा अलग हो जाता है तो उनकी क्या हालत होती है? आंसू सूख जाते हैं, फिर भी आंखों में नमी रह जाती है। बच्चे की मां रोती है, सबके सामने चीखती है और चिल्ला चिल्ला के पुकारती है अपने बच्चे का नाम। और पिता छुप छुप कर रोता है, सबके सामने हिम्मत दिखाता है, लेकिन अकेले में टूट जाता है। हर सांस के साथ अपने बच्चे को याद करना, उसकी सलामती की दुआ मांगना, भगवान में विश्वास ना रखने वाले भी मंदिरों के बाहर खड़े रहते हैं, आंखों में उम्मीद लिए सांसें लेते रहते हैं। फिर एक दिन दरवाजे पर पुलिस की वर्दी पहने एक खबर आती है। खबर कहती है कि घर में जो किलकारी गूंजती थी, जो रौनक सजाती थी, जिसके आगे पीछे घर के सभी लोग घूमा करते थे, वो छोटी सी बच्ची, उसका एक आदमी ने बलात्कार कर दिया है, उसके हाथ पैर तोड़ दिए हैं और उसे जान से मार दिया है। कानों को यकीन नहीं होता और दिमाग सुन्न पड़ जाता है, लेकिन खबर यही कहती है। यह खबर जिसने एक घर को खत्म कर दिया है, वो खबर अगले दिन के अखबार में और टीवी चैनल्स की रिपोर्ट में महज कुछ लाइंस में सिमट कर रह जाएगी। वो मां बाप पहले अपनी बेटी की वापसी चाहते थे, उसकी सलामती चाहते थे, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहते थे। मां बाप चाहते थे कि इंसाफ हो और जल्दी से जल्दी हो, लेकिन उस आदमी का अब तक कुछ पता नहीं चला। इंडियन मर्डर मिस्ट्री, मैं हूं प्रवीण आपके साथ और मैं आपको सुना रहा हूं एक बुजदिल कातिल का केस। गुरुग्राम के उस सेल में बंद वो आदमी जो ठंड से परेशान था, वो अब कंबल ओढ़े सुकून से बैठा था। नवंबर के महीने में वो कंबल उसे कालकोठरी की ठंडी जमीन से बचा रही थी। इस लड़की को तूने उठाया था जब वो अपनी बहन के साथ मंदिर जा रही थी, और वो दिन का टाइम था। इब तो बस तू नू बता, इसकी बॉडी तने कित डिस्पोज करी ना, फिर हमें तरीके भी आवे हैं। ग्वालियर की बात तो नहीं कर रहे साहब? अरे वो बच्ची तो हमने वहीं छोड़ दी थी। ग्वालियर? हाँ, उधर भी कुछ कांड किए थे हमने। और अरे नहीं, ये तो बहुत पहले की बात है। अरे छोड़ो, अभी तक तो भूल भाल गए होंगे घर वाले भी उसके। जैसे ही इंस्पेक्टर के कानों तक ये बात पहुंची, उन्होंने इंटरनल पुलिस नेटवर्क की मदद से ग्वालियर में कंपू पुलिस स्टेशन में ये इंफॉर्मेशन दी कि सितंबर 2013 में जिस लड़की का अपहरण हुआ था, उस लड़की के बारे में एक आदमी जानता है। हरियाणा पुलिस की वो टीम उस आदमी को लेके ग्वालियर के लिए निकल पड़ी। उस आदमी का नाम था सुनील। ये सफर लंबा होने वाला था, लेकिन यहां तक सुनील पहुंचा कैसे, उसके पीछे की भी एक कहानी है। उस दिन सुनील के घर में
उसके बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा था। ये कोई पार्टी नहीं थी, बस कुछ पड़ोसी आकर घर में बैठ गए थे और टेबल पर नमकीन चाय के साथ मिठाई रखी हुई थी। बच्चों ने कहीं से गुब्बारों का जुगाड़ बिठाया था और बस गाना गा के किसी तरह खुशी ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। बच्चे की मां तैयारियों में और मेहमान नवाजी में लगी हुई थी और जिस बच्चे का बर्थडे था उसकी नजरें घर के दरवाजे पर टिकी थी। उस बच्चे की नजरें अपने पिता सुनील रस्तोगी को ढूंढ रही थी, लेकिन सुनील को सिवाय नशे के किसी चीज की फिक्र नहीं थी। नशा पहले उसका शौक बना, फिर उसकी मजबूरी और फिर उसकी आदत बन गया। पेशे से सुनील टेलर था। घर में एक पत्नी और 5 बच्चे। शराब के नशे में उसे ना अपने बच्चों का होश था, ना बीवी का और ना अपने काम का। बच्चे का जन्मदिन एक तरफ, उसे परिवार की खुशियों से कोई मतलब नहीं था। उसकी खुशी उसका नशा था और फिर उसकी हवस। क्राइम से रिश्ता सुनील ने 2008 में बना लिया था। पोजेशन ऑफ ड्रग्स के केस में सुनील को अक्सर हवालात के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन फिर बात सिर्फ ड्रग्स और शराब तक सीमित नहीं रही। न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो सुनील ने अपना पहला ब्रूटल क्राइम साल 2011 में किया था। महोबा यूपी में उसने एक 5 साल की बच्ची का रेप और मर्डर किया था। उसके बाद वो बच्ची को मारकर वहां से भाग गया। पुलिस ने जांच शुरू की लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। 2013 में ग्वालियर शहर में उसने एक और लड़की को अपना शिकार बनाया। मई के महीने में एक 5 साल की बच्ची रेलवे स्टेशन से गुम हो जाती है। इसके पीछे भी सुनील का ही हाथ था। फिर वही रेप और मर्डर। इसके बाद कई वारदातें हुई। सुनील ने कभी दिल्ली में, कभी गुरुग्राम में, कभी एमपी में, तो कभी यूपी में इन वारदातों को अंजाम दिया। एक के बाद एक सुनील ने मासूम बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाया। सुनने में यह ड्रामेटिक लग रहा होगा, लेकिन सुनील अपनी हवस मिटाने के लिए नन्ही नन्ही कलाइयों को रौंद रहा था। उन आंखों ने, जिन्होंने अभी ठीक से सपने देखना भी शुरू नहीं किया था, उन आंखों ने मौत को बहुत बहुत करीब से देखा। उन बच्चियों को मालूम ही नहीं हुआ कि उनके साथ हो क्या रहा है। बस दर्द उन्हें अपनी चपेट में ले लेता था और वो दर्द तब तक महसूस होता जब तक उन्हें कुछ भी महसूस होना बंद ना हो जाए। सुनील वॉज अ साइकोपैथ। ही वॉज अ ब्रूटल सीरियल किलर। वो मजे के लिए बच्चियों को मार रहा था। इमोशनल एंगल से हटकर अगर बात करें तो इस केस में इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। सुनील का पैटर्न समझने में पुलिस को वक्त लगा, क्योंकि यह पैटर्न अपने आप में बहुत ही यूनिक है। नशे में डूबा रहता था सुनील। उस पर से आए दिन जेल के चक्कर काटना, अब ऐसे आदमी को घर में इज्जत मिलना तो दूर की बात है। 2 वक्त की रोटी भी उसे नसीब नहीं होती थी। अपनी भूख शांत करने के लिए सुनील ने
कम्युनिटी किचन यानी कि लंगर का सहारा लेना शुरू कर दिया। मंदिरों और पीर बाबा की दरगाहों के बाहर लाइन में सुनील भी शामिल हो जाता था। लंगर के डेट और टाइम की इंफॉर्मेशन सुनील इन्हीं जगहों से लिया करता था। सुनील मंदिरों और दरगाहों के बाहर लाइन में लगी लड़कियों पर अपनी नजर रखता था। आप जानते होंगे कि ज्यादातर जिन लोगों के लिए लंगर रखवाया जाता है वो लोग गरीब घरों से होते हैं। हमारे देश में किसी की भूख शांत करना पुण्य का काम माना जाता है। वहां लाइनों में लगकर छोटी छोटी बच्चियां जो कि अपनी मां, अपनी दादी, अपनी बहन के साथ खाना खाने आती हैं, उन्हें कहां मालूम होता है कि सुनील जैसे बुजदिल कातिल वहां पर घात लगाए बैठे होते हैं। सुनील जानबूझकर ऐसी बहुत ही गरीब घर की लड़कियों को अपना टारगेट बनाता था। देश में आबादी का ये हाल है कि एक बड़ी संख्या में बच्चे गरीबी में पलते हैं, सड़क पर रहते हैं या झुग्गियों में, और इनका पक्का एड्रेस या सरकारी आईडी कार्ड बन पाना मुश्किल हो जाता है। वारदात के बाद पुलिस को बॉडी मिलती थी और पुलिस को हर बस्ती, हर गली, हर नुक्कड़ और चौराहे पर बच्ची के मृत शरीर की फोटो दिखाकर पूछना पड़ता था कि क्या इस बच्ची को किसी ने देखा है। कई बार सुनील बच्चियों की ऐसी हालत कर देता था कि खुद उसके घर वाले भी उसकी बॉडी पहचान नहीं पाते थे। मैंने कहा था ना कि इसके बारे में सुनना आपके लिए मुश्किल होगा, यह बताना मेरे और मेरी टीम के लिए भी मुश्किल है। सच्ची कहानी कह पाना मुश्किल है, लेकिन हमारी कोशिश जो है वो जारी रहेगी। एक एक कर सुनील ने कई परिवारों से खुशियां छीन ली। उन जुड़वा बहनों में से जिस बहन को सुनील ने अपना शिकार बनाया था, उसका बलात्कार करने के बाद उसके सर में रॉड घुसा दी थी। उसकी बॉडी देखकर यह साफ था कि आदमी एक साइकोपैथ है। पुलिस फोर्स ने सुनील को पकड़ने के लिए सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए। कई महीनों तक सीसीटीवी कैमरास की फुटेज देखी गई। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पीर बाबा की दरगाह, मंदिर, सब जगहों की स्कैनिंग चलती रही और फिर नजर आया सुनील का चेहरा। वीडियो में सुनील उस बच्ची को लेकर जाता दिखाई दिया, जिस बच्ची की बॉडी पुलिस को ऐसी हालत में मिली थी कि किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। पुलिस की टीम ने जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी थी उससे मालूम हुआ कि सुनील वहां जरूर मौजूद होता है जहां लंगर बट रहा हो। पुलिस वालों ने सिविल ड्रेस में खुद लंगर लगाना शुरू किया। डीसीपी सुमित कुहार से हुई हमारी बातचीत में और भी बातें हमारे सामने आई। दिल्ली और हमारे यहाँ पे तीन उसने वारदातें की थी। एक की थी उसने 16 के एंड में। ये आदमी जनरली छोटी बच्चियों को मंदिरों के बाहर से जो प्रसाद लेने के लिए गरीब बच्चे इकट्ठे होते हैं वहां से प्रसाद के बहाने उनको किडनैप करता था और उसके बाद फिर उनको ब्रूटली ट्रीट करके मर्डर कर देता था। हमारा जो पहली इंसिडेंट था वो था दरगाह के बाहर से बच्ची गायब हुई थी, हाथ पैर तोड़ रखे थे और उसका मर्डर कर रखा था। उसने वो 26 जनवरी को मिली थी बूढ़ी। राजीव चौक के ऊपर वाटर पंप है, वहां उसके पंप के खड्डे में थी वो। जब बच्ची को लेके जा रहा था तो एक स्लाइड से उसकी इमेज हमारे सामने आ गई थी। उस केस में मुझे
इसलिए याद है कि ये बहुत चैलेंजिंग केस था मेरे लिए, मैं डीसीपी क्राइम था उस टाइम, क्योंकि हमें यह पता लग गया था कि ये आदमी खुद घर पे खाना भी नहीं खाता, ये मंदिरों वगैरह में खाना खाता है। तो हमने थर्ड इंसिडेंट के बाद गुड़गांव में जहां भी, जैसे मंगलवार को हनुमान मंदिर, शनिवार को शनि मंदिर, थर्सडे को साई मंदिर, बुधवार को दरगाह के सामने, पुलिस ने अपने खुद के भंडारे लगाने स्टार्ट कर दिए सिविल ड्रेस में। और हमें थोड़ा इस बार, पहली बार हमें थोड़ा चेहरे का आइडिया था, क्योंकि आज तक तो हमारे पास कोई विटनेस ही नहीं था, तब हमें थोड़ा आइडिया हुआ। और उसके बाद हमें वो बंदा स्पॉट हुआ मध्य प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट में रेलवे स्टेशन पे खाना खाते हुए। हम ट्रेन से लगातार हर स्टेशन में सीसीटीवी चेक कर रहे थे, आइडिया भी हो गया तो उसका गांव उस तरफ है, तो हम उसी रूट को चेक कर रहे थे। तो करीब एक महीने की बहुत ज्यादा मेहनत के बाद, करीब इसमें मुझे आज भी याद है, 250 पुलिस वाले क्राइम ब्रांच के लगातार लगे रहे थे दिन रात, वी वर एबल टू ट्रेस हिम। अनफॉर्चुनेट ये रहा कि पहले इंसिडेंट के बाद जब ये एक लोकेशन से बच्ची जाती दिखाई दे रही है एक सीसीटीवी पे, जिस टाइम ये सामने आ रहा है उसी टाइम एक गाड़ी की लाइट सीसीटीवी के कैमरे में लगी, दिख नहीं पाया मैं। पूरे 2 साल मुझे याद भी आया था कि हमने हर दिन ड्यूटियां लगाई हैं बच्चियों को बचाने के लिए। इवेंचुअली लक फेवर्ड अस और एक सीसीटीवी में हमें इसकी इमेज मिली और हम इसको पकड़ पाए। केस इतना ट्रबल सम था कि हर शाम को टेंशन हो जाती थी कि आज किसी बच्ची के साथ कुछ ना हो जाए। तो इसने वो एरिया छोड़ दिया था, हर इंसिडेंट के बाद 4-5 महीने के लिए एरिया छोड़ देता था। तो फिर इवेंचुअली हमें इसके गांव के लिए टीम भेजी और टीमें लगातार हर रेलवे स्टेशन के आसपास कैमरे चेक कर रही थी। इंदौर के पास किसी रेलवे स्टेशन के पास ये दिखाई दिया था हमें मंदिर के बाहर। हमारे इंटरव्यू ये जरूर आया था कि इसने काफी इंसिडेंट दिल्ली में कर रखे थे, और क्योंकि ये टारगेट करता था बहुत ही गरीब और लावारिस बच्चियों को, तो कई बार तो बच्ची की शिनाख्त नहीं हो पाती थी। चुका है मैरोली में एक थोड़ी सी बड़ी बच्ची के साथ इसे करने की कोशिश की थी, वो बच गई फॉर्चुनेटली, शी वाज द ओनली सर्वाइविंग चाइल्ड। डीसीपी सुमित कुहार की बातों से ये मालूम होता है कि पुलिस फोर्स के 250 पर्सनल सुनील को पकड़ने में जुटे हुए थे। पुलिस की टीम सुनील को लेकर उस दिन ग्वालियर के लिए निकली थी। सुनील को ग्वालियर में कंपू पुलिस स्टेशन लाया गया, वहां उसकी शिनाख्त की गई और उस लड़की की मां ने सुनील को देखा और पहचान लिया। उसने बताया कि उस दिन सुनील को उसने मंदिर के पास देखा था। सुनील ने बताया कि उसने उस छोटी 5 साल की बच्ची को मिठाई का लालच देकर अपने पास बुलाया और फिर साइकिल पर बिठाकर उसे कुछ दूर एक जगह पर ले जाकर उसका बलात्कार किया और उसके बाद उसके हाथ पैर तोड़कर उसे मार दिया। सुनील के ऊपर मुकदमा चल रहा है, 3 केसेस में उसे दोषी ठहराया जा चुका है और बाकी केसेस में लीगल प्रोसीडिंग्स जारी है। सुनील के बारे में कुछ और बातें सामने आई। कुछ न्यूज रिपोर्ट्स कहती हैं कि सुनील को लगता था कि अगर वो वारदात के वक्त लाल और नीले रंग के कपड़े पहनेगा तो वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, और ये भी कि उसे ये वारदात ऑड नंबर डेट्स पर ही करनी है। हमारे देश में अनेकों समस्याएं हैं, पॉपुलेशन ज्यादा है और एडमिनिस्ट्रेशन में भी लाखों चैलेंजेस हैं, लेकिन दाद देनी होगी डीसीपी सुमित कुहार और उनके जैसे पुलिस ऑफिसर्स की, जिन्होंने बच्चियों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और अनकन्वेंशनल इन्वेस्टिगेशन टूल्स का इस्तेमाल करके दोषी को उसके अंजाम तक पहुंचाया। इंडियन मर्डर मिस्ट्री में मैं हूं प्रवीण आपके साथ। अगले एपिसोड में एक और केस लेकर आऊंगा, लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि रेप, मर्डर या किसी भी जुर्म को लिटरेसी, सोशल बैकग्राउंड और इकोनॉमिकल स्टेटस के आधार पर नहीं देखना चाहिए। जुर्म एक ऑफिसर भी कर सकता है और सुनील जैसे साइकोपैथ भी। जुर्म इंसान करते हैं, जो गलत करता है उसे मालूम होता है कि उसने गलत किया है
और गलत के साथ इंसाफ होकर रहता है। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। You are listening to Indian Murder Mystery, written by Dhruv Law, audio designed by Ayush Mehra, creative director Dhruv Law. Send your feedback and suggestions right to us at podcast@redfm.in.